आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उनका एक ही नारा रहा है, हर सबका विकास, यानी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सबको विकास देने की बात करते हैं और सबको एकजुटता के साथ रहने की बात करते हैं। और आज उन्हीं की पार्टी के लोग जो है और उन्हीं के विरुद्ध उन्हीं के ख़िलाफ़ चलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने अभी तक अपने कार्यकाल में कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे मुसलमान या कोई अल्पसंख्यक तबका बहुत नाराज़ हुआ हो, मगर उन्हीं के विधायक उन्हीं के पार्टी के लोग उनकी पार्टी को उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि नागमणि गौड़ जी जो विधायक हैं आपके मध्य प्रदेश की, उन्होंने इमाम हुसैन के परचम को तालिबानी परचम से जोड़ दिया है, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि इमाम हुसैन अमन पसंदी का नाम था, इमाम हुसैन भारत की आत्मा का नाम है, इमाम हुसैन भारत की आन बान और शान का नाम है। इमाम हुसैन को तालिबान से जोड़ना ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है उनकी, ताकत के इस तरीके से विरोध किया जाए, इस तरीके से लोगों को बदनाम किया जाए ताकि हिंदू मुसलमान के बीच में आपसी टूट पैदा हो। मगर मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि भारतवासी जो है वो टूट की तरफ नहीं अटूट की तरफ जाना चाह रहा है, बल्कि वो चाहता है कि भारत में जो हम जिए तो भाईचारगी और मोहब्बत के साथ जिए। और अभी उन्हें सोचना चाहिए कि पूरे भारत में मुहर्रम मनाया गया, इस मुहर्रम में हिंदू भाइयों ने भी ताज़िया रखा, हिंदू भाइयों ने भी मातम मनाया। और जैसा कि आपने जाना है कि अभी चंद वर्ष पहले जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने खुद जो है इंदौर की एक मजलिस में जाकर के इमाम हुसैन को सिंधाजली अर्पित की है, खराज अकीदत पेश किया है। और तालिबान से हमारा लेना देना क्या है, हम तो तालिबान के कल भी विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं। इसलिए जो अत्याचार करने वाला हो, जो जुल्म करने वाला हो, जो लोगों को जबरन इस्लाम पे लाने वाला हो, इस्लाम जबरन बनाने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम के लिए लहराती दिन का नारा आम है कि हम जबरन इस्लाम कबूल कराने वाले नहीं हैं। अगर कोई ऐसा करता है, जबरन इस्लाम कबूल कराता है, जबरन अपनी बात मनवाता है, तो वो तो आतंकवादी होता है, वो दहशतगर्द होता है, उसका ना इस्लाम से कोई मतलब है सरोकार है, ना इमाम हुसैन से कोई सरोकार है। लिहाजा मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से अपील करता हूँ कि उन्हें बिल्कुल सस्पेंड किया जाए, पार्टी से निकाला जाए, वरना ऐसे लोग पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमाम हुसैन उस जात का नाम है जो धर्म और जात और बिरादरी के और नस्ल के नाम पे नहीं जाना जाता है, इंसानियत के नाम पे जाना जाता है। हुसैन इंसानियत के मसीहा का नाम है और इमाम हुसैन शांति के दूत का नाम है, इमाम हुसैन भारत की आत्मा का नाम है। इन पर अगर कोई जुल्म का कोई टिप्पणी करता है तो कोई भी मुसलमान की बात मैं नहीं करता कि खाली मुसलमान नाराज़ होगा, हर हुसैनी हर इंसानियत पसंद नाराज़ होगा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और करना चाहिए। मैं मौलाना सैयद तहज़ीब हसन रिज़वी, इमाम ख़तीब मस्जिद जाफरिया, रांची, झारखंड।